हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसाइनर एंड कंसाइनी क्या होता है एंड कंसाइनमेंट क्या होता है। बेसिकली हमें यह डिफरेंस जानना है कि कंसाइनी क्या है एंड कंसाइनर क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत बार ये टर्म से हम फेस करते हैं, ये टर्म को हम फेस करते हैं एंड बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कंसाइनर क्या है। कंसाइनर, तो दोस्तों जो कंसाइनर होता है वो सेंडर होता है। सेंडर यानी कि अगर आपने किसी कंपनी को कोई ऑर्डर दिया है बनाने के लिए, मान लो कि आपने किसी कंपनी को कुछ बर्तन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या फिर कोई मोबाइल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई कवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो जिस भी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो प्रोडक्ट बना के वो आपको सेंड करेगी, यानी कि वो हो गया सेंडर आपका। तो जो मोबाइल बनाने वाला है, बर्तन बनाने वाला है, वो आपको वही प्रोडक्ट्स आपको शिप करेगा, सेंड करेगा, तो उसे कहा जाएगा कंसाइनर यानी कि सेंडर। तो सेंडर यानी कि इसे हम सेलर भी कह सकते हैं, सेलर ऑफ गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स। गुड्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाने के लिए दिए है, या जो भी प्रोडक्ट कंसाइनर हमें भेज रहा है, सेंडर या फिर सेलर हमें सेल कर रहा है, उसे गुड्स कहते हैं। तो कंसाइनर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई एक कंपनी भी हो सकती है, दैट सेंड्स गुड्स टू समवन, यूजुअली टू क्लाइंट और कस्टमर और एन एंड यूजर। अभी ये हो गई कंसाइनर टर्म। सेकंड आता है कंसाइनी। तो कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी यानी कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, आपने किसी कंपनी को बर्तन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया या फिर कोई चलिए बर्तन बनाने का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो आपने वो ऑर्डर दिया यानी कि आप हो गए कंसाइनी। यानी कि जब भी आपने कुछ वन मेट्रिक टन बर्तन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्स वाई जेड कंपनी को दिया है, वो प्रोडक्ट बना के आपको भेजेंगे, तो आप वो प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे वो प्रोडक्ट्स, यानी कि आप हो गए रिसीवर। तो रिसीवर को ही कंसाइनी कहा जाता है। तो रिसीवर ऑफ गुड्स मतलब कंसाइनी। इसे हम लोग बायर भी कह सकते हैं, और बायर और एंड यूजर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि एंड यूजर मतलब हमने वो ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, ऑर्डर बन गया और हम वो ऑर्डर अभी लेना चाहते हैं, तो हम ही कंसाइनी हो गए। एंड जो हमें सेंड कर रहा है वो ऑर्डर बना के, वो कंसाइनर होता है। जो शिप कर रहा है वो कंसाइनर होता है, और जो रिसीव कर रहा है वो कंसाइनी होता है। एंड जो भी गुड्स आपने बनाने के लिए दिए हैं वो होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या है कि ये जो कंसाइनर जो होता है, कंसाइनर जो भी गुड्स बना के आपको भेज रहा है, जो भी गुड्स है वो गुड्स यानी कि कंसाइनमेंट होता है। इस केस में मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आपने बर्तन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो बर्तन आपके हो गए गुड्स, वो हो गया गुड्स। तो दोस्तों बेसिकली यही डिफरेंस है कंसाइनी एंड कंसाइनर में। तो कंसाइनी आपको समझ में आ गया होगा कि कंसाइनी कौन है। कंसाइनी रिसीवर है एंड कंसाइनर सेंडर है। तो जो भी गुड्स सेंड कर रहा है वो हो गया कंसाइनर, यानी कि जो भी सेल कर रहा है वो कंसाइनर हो गया, एंड कंसाइनी
जो रिसीव कर रहा है, जो एंड यूजर है, वो कंसाइनी हो गया। एंड कंसाइनमेंट, जो भी गुड्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो भी गुड्स जो सेंडर है वो बना के भेज रहा है और कंसाइनी रिसीव कर रहा है, वो हो गया, वो जो गुड्स होते हैं वो कंसाइनमेंट होता है आपका। तो दोस्तों यही डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल टर्म है। एंड आपको अभी ये समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मैं अपलोड करते रहता हूँ, आपको एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते रहता हूँ। ऐसे ही अगर आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों।